क्या आपके भी पीसी में हाई रैम यूजेज की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों विंडोज 11 में, जबकि आपका पीसी में कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर जो है हाई रैम यूजेज आ रही है। और दोस्तों आपका पीसी जो है इस 3 स्टेप्स के बाद में काफी अच्छा खासा वर्क करने लगेगा और काफी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। दोस्तों 3 सिंपल इजी स्टेप्स बताने वाला हूँ। दोस्तों फर्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों टास्क मैनेजर में। तो ये आप सिंपल जो है शॉर्टकट किसी भी खोजते हो, शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, तो ये शॉर्टकट है। तो इन शॉर्टकट से भी आप ये एप्लीकेशन को खोल सकते हो टास्क मैनेजर को। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप्स है दोस्तों वो आपको जाना है सर्विसिंग। देखिए यहाँ से आपको ऐसा दिखेगा, बट आपको एक्सटेंड करना है और सर्विसेज में चले जाना है। अभी सर्विसेज में हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है दोस्तों, SYS मेन ढूंढना है दोस्तों। तो उनको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो SYS, और यहाँ पे जो है दोस्तों देखिए SYS मेन ये रहा दोस्तों। तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है इसको स्टॉप करने की कोशिश करूँगा। अगर यहाँ पे मैं गो टू डिटेल्स जाऊँगा तो इसकी डिटेल चली जाएगी, बट मैं फिलहाल यहाँ पे सर्विसेज में जाऊँगा। सर्विसेज में यहाँ पे क्या करूँगा, इसको खोलूँगा दोस्तों, तो स्टॉप करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। लेट्स सी, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, तो ये स्टॉप हो चुके हैं, देखिए स्टॉप्ड है ऑलरेडी। अगर रनिंग में हुई तो स्टॉप हो जाएंगे, अगर स्टॉप्ड है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी मेरी रनिंग में थी तो अभी स्टॉप वाला ऑप्शन जो है चला गया है। अभी ये ज़्यादा यहाँ पे जो है रैम यूजेज करती है, इसको हमने बंद कर दिया है। तो हमारा फर्स्ट जो इजी स्टेप है वो हो चुका है दोस्तों। अभी बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। बिल्कुल, सेकेंड स्टेप क्या होगा, आपको जो है फिर से टास्क मैनेजर खोल लेना है दोस्तों। टास्क मैनेजर में ही एक और सेटिंग है दोस्तों, जो कि है यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स की। अभी यहाँ पे आप अगर मेरे पीसी में देखो तो मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे ऑलरेडी में यहाँ पे हैं, बट आप देखोगे तो सारे डिसेबल्ड है दोस्तों। अगर मैं किसी को भी जैसे एनेबल करता हूँ, जैसे क्रोम को करता हूँ, क्रोम को एनेबल करता हूँ, तो अभी क्या होगा, जब दोस्तों देखिए मेरा पीसी ऑन होगा तभी यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स जो है यहाँ पे ऑन होना शुरू हो जाएंगे और मेरे रैम को यहाँ पे यूज़ करने लगेंगे, जिससे मेरी परफॉर्मेंस में लैग आएगा और आपको यहाँ पे जो है हाई रैम यूजेज का इशू देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिसेबल पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, वन बाय वन सभी को डिसेबल कर देना है दोस्तों। यहाँ से भी आप कर सकते हो राइट क्लिक करके और एनेबल या फिर डिसेबल, तो इन सभी को डिसेबल कर देना है। हालांकि जो कुछ आपको एप्लीकेशन ऐसी लगती हैं जो रखनी है तो आप उन एक दो को एनेबल कर सकते हो, बट बाकी सबको डिसेबल कर दीजिए दोस्तों। तो ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप दोस्तों। अभी जो थर्ड स्टेप, जो लास्ट स्टेप है, उसमें लिए आपको जाना है यहाँ पे टास्क मैनेजर में, सॉरी विंडोज यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च करना है डी फ्रेगमेंट दोस्तों। तो डी फ्रेगमेंट मैं सर्च करूँगा यहाँ पे, देखिए डी फ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। अभी आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए लोकल डिस्क सी, ये बहुत सारी हैं, बट आपको विंडोज 11 जो कि मतलब विंडोज जहाँ पे इंस्टॉल्ड है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। मेरे केस में लोकल डिस्क सी में यहाँ पे इंस्टॉल्ड है दोस्तों। ऑप्टिमाइज पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ऑप्टिमाइज में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरा कुछ ही सेकंड में हो गया। आपके पीसी में टाइम लगा सकता है, हो सकता है आपके आपने काफ़ी टाइम पहले किया ना हो तो इसके लिए भी टाइम लगा सकता है। मैंने यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर लिया, देखिए सारे ड्राइव्स अगर मैं ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ इसमें थोड़ा टाइम लगा रहा है देखिए दोस्तों। तो आपको ऐसे करके सारी ड्राइव्स को जो है ऑप्टिमाइज़ कर लेना है, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी खासी जो है आपको अच्छा दिखने रिजल्ट आने लग जाएगा दोस्तों। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।